खबरें खबरें खबरें, वेट बहुत हो चुकी खबरें, कुछ मनोरंजक हो जाए, खबरें ही देखेंगे लेकिन बॉलीवुड स्टाइल में। नमस्कार, मैं अक्सा और आप मेरे साथ देख रहे हैं बॉलीवुड टॉप 5 खबरें, जहां हम देखेंगे कि किस तरह गदर 2 को लेकर सनी देओल चर्चा में बने हुए हैं। कंगना रनौत संग उनके मतभेद की खबरें सामने आ रही है, जिस पर अब रिएक्ट की चुप्पी तोड़ते हुए कंगना रनौत ने आखिरकार सच बता दिया। तो वहीं फिर एक बार ONG 2 को लेकर भड़के महाकाल मंदिर के पुजारी और जानेंगे बॉक्स ऑफिस पर ओपनहाइमर और बार्बी की हालत। तो चलिए फटाफट डालते हैं एक नजर आज की बॉलीवुड टॉप 5 खबरों पे। क्या कंगना रनौत और सनी देओल के बीच सच में था मनमुटाव? गदर 2 को लेकर अब कंगना ने कही ये बात। जी हाँ, कंगना बड़े ही मुद्दों में बनी रहती है और बेबाकी के साथ अपनी राय सोशल मीडिया पर अक्सर रखती रहती है। कई बार उन्हें इसके लिए सपोर्ट भी मिलता है तो कभी कभी उन्हें इसके लिए ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है। करण जौहर के अलावा ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर तक कई एक्टर और डायरेक्टर कंगना के निशाने पर आ चुके हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि I Love NY के बाद से ही कंगना और सनी देओल के बीच मनमुटाव हो गया है, जिस पर अब हाल ही में कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए सनी देओल की गदर 2 पर बात की है। कंगना रनौत ने स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि गदर 2 इस साल की सबसे बड़ी ओपन मूवी साबित होगी। अब मुझे ईर्ष्या हो रही है, खुद की फिल्म को इस साल की सबसे कम ओपनिंग मिली है। ये एक ट्विटर हैंडल पर कंगना के नाम का इस्तेमाल करके दूसरों के ऊपर कीचड़ उछाला जाए। मैं ये साफ कर दूं कि मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं खुद सनी सर की बहुत बड़ी फैन हूं। मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा कोई भी अभिनेत्री रोज रोज इस तरह की नेगेटिविटी झेल रही है। इंतजार हुआ खत्म, कंफर्म हुआ डॉन 3 का एक्टर। शाहरुख खान को रणवीर सिंह ने किया रिप्लेस, टीजर हुआ जारी। फरहान अख्तर की फिल्म डॉन 3 को लेकर लोगों का एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। बीते दिन उन्होंने खुद ही फिल्म की अगली फ्रेंचाइजी की घोषणा कर दी। इसके बाद खबरें आई कि फिल्म में ही इस बार शाहरुख खान डॉन के किरदार में नजर नहीं आएंगे, जो अब सच साबित भी हो गया है, क्योंकि फरहान अख्तर ने डॉन 3 के लीड एक्टर का नाम रिवील कर दिया है। डॉन 3 में बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह लीड रोल प्ले कर रहे हैं। उनके नाम की चर्चा पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही थी, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई थी, क्योंकि शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार को रिप्लेस करने की बात किसी को पच नहीं रही थी। वहीं अब डॉन 3 के टीजर रिलीज के साथ ही इस खबर पर मुहर लग गई है कि फिल्म में रणवीर सिंह ही डॉन का किरदार निभाने वाले हैं। एक दुल्हन के पीछे पड़े दो पक्के यार, क्या होगा इस बार? यार यार 2 का पहला पोस्टर हुआ रिलीज। बैनर के तले बनी फिल्म यार यार 2 को लेकर फैंस में हुई काफी एक्साइटमेंट। इस फिल्म में मीजान जाफरी, पल्लवी पुरी, प्रिया प्रकाश वॉरियर और दिव्या खोसला कुमार जैसी मल्टी स्टारर कास्ट नजर आने वाली है। हाल ही में फिल्म का पहला पोस्टर मेकर ने रिलीज कर दिया है और साथ ही यार यार 2 का टीजर कब रिलीज होगा ये भी बता दिया गया है। अब जल्द ही मेकर्स फिल्म यार यार 2 के साथ बिग स्क्रीन पर ऑडियंस के बीच लौटने वाले हैं। इस फिल्म में जावेद जाफरी के बेटे मीजान जाफरी और टीवी हार्टथ्रोब पल्लवी पुरी भी नजर आएंगे। लंबे समय तक फिल्म यार यार 2 को लेकर ऑडियंस की बेसब्री बढ़ाने के बाद अब फाइनली मेकर्स ने फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया है। यार यार 2 में बिल्कुल फ्रेश पेयर दर्शकों को देखने को मिलेगा। हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर टी सीरीज ने इस फिल्म का पहला पोस्टर भी रिलीज कर दिया है, जिसमें दिव्या खोसला कुमार दुल्हन के गेटअप में नजर आ रही है और उनका एक हाथ मीजान जाफरी के कंधे पर है तो वही दूसरा हाथ पल्लवी पुरी के कंधे पर। मीजान के चेहरे पर पोस्टर में जहां शरारत भरी हंसी है तो वही पल्लवी पुरी काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। ओपनहाइमर ने गिरते कलेक्शन पर लगाई लगाम, बार्बी के लिए बॉक्स ऑफिस पर टिकना हुआ मुश्किल। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपनहाइमर को भारत में दर्शकों ने काफी पसंद किया। फिल्म ने अब तक 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। अब ओपनहाइमर अपना बिजनेस ऐसे ही बनाए रखने की पूरी कोशिश में लगी है। वहीं बार्बी के लिए इंडियन बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर पाना मुश्किल होता जा रहा है।
क्रिस्टोफर नोलन के डायरेक्शन में बनी ओपनहाइमर शुरुआत से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है और फिल्म दूसरे विश्व युद्ध और परमाणु बम बनाने की कहानी बयां करती है। ऐसे में फिल्म को लेकर पहले ही बयानबाजी चल रही थी। ओपनहाइमर ने रिलीज के साथ ही धमाका करते हुए पहले दिन भारत में 14 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। इसके अगले ही दिन फिल्म का कलेक्शन बढ़ाकर 17 करोड़ तक पहुंच गया था। जबकि ग्रेटा गार्विन के डायरेक्शन में बनी बार्बी के लिए भारत में कमाई कर पाना काफी मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि फिल्म ने रिलीज के पहले दिन की महज 5 करोड़ के साथ शुरुआत की थी। वहीं पहले हफ्ते में फिल्म की कमाई 27.5 करोड़ तक सिमट कर रह गई। वहीं अब फिल्म के हालिया आंकड़ों की बात करें तो बार्बी ने मंगलवार 8 अगस्त को सिर्फ 40 लाख का ही बिजनेस किया। OMG 2 को लेकर भड़के महाकाल मंदिर के पुजारी, मेकर समेत अक्षय कुमार को भेजा लीगल नोटिस। अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की फिल्म ओ माई गॉड 2 रिलीज होने से पहले ही लगातार विवादों में घिरी हुई है। आए दिन मूवी पर कोई ना कोई नया विवाद खड़ा हो रहा है। बीते दिनों जहां सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कई सीन्स और सीक्वेंस में बदलाव करवाए थे, जिसके चलते फिल्म के ट्रेलर को रिलीज होने में थोड़ा वक्त लगा, तो वही महाकाल मंदिर के पुजारियों ने फिल्म को लेकर लीगल नोटिस भी जारी कर दिया है। महाकाल मंदिर के पुजारियों का कहना है कि इस मूवी को जब एडल्ट्स ही देख सकते हैं तो इसमें शिव और महाकाल से रिलेटेड सीन्स हटा दिए जाने चाहिए। फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद अब महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा समेत अन्य उज्जैन में हुई जनसुनवाई में भी एप्लीकेशन दे दी है। इतना ही नहीं, मेकर्स की लीगल नोटिस भी उन्हें भेज दिया गया है। इसके अलावा शहर के ADM ने भी कहा कि वो इसमें फैक्चुअल इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लगातार OMG 2 विवादों में घिरी हुई है। अब देखना यह होगा कि रिलीज तक क्या क्या और खबरें इससे हमें देखने को मिलती है। रोजाना बॉलीवुड से जुड़ी ऐसे ही मसालेदार खबरों को देखने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड टॉप 5 सिर्फ और सिर्फ NBCN न्यूज पर।